नमस्ते, सत श्री अकाल, शालोम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पैरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वह जगह जहां पर उत्तर रामायण काल में लव एंड कुश ने राम जी की सेना को हरा कर हनुमान जी को बंदी बना लिया था। साथ ही साथ उत्तर भारत में पाई जाने वाली उड़ने वाली गिलहरियों और सांपों की जगह है। इस सब के लिए हमको पहुंचना होगा सीता माता वाइल्ड सेंचुरी, जो कि चित्तौड़गढ़ से 100 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर है। अगर आप गूगल मैप की मदद लेंगे तो वहां पर आप सीता माता वाइल्ड सेंचुरी का सर्च कर सकते हैं और यहां पर पहुंच सकते हैं। शुरुआती रास्ता काफ़ी अच्छा है, डबल लेन ये रोड बनी हुई है, लेकिन अंतिम जो 20 किलोमीटर का रास्ता है पूरा का पूरा ऑफ रोड है। आज हम हमारे BBC की राइडिंग गैंग के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोई भी 4x4 व्हीकल में आप यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आप सोलो राइडिंग कर रहे हैं तो कोई भी अच्छी मोटरसाइकिल पे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यह है इस वाइल्ड सेंचुरी का एंट्री गेट। यहाँ पर आपको 50 रुपये का टिकट चार्ज किया जाएगा, और अगर आप अपनी बाइक लेके आते हैं साथ में तो उसका 30 रुपये का अतिरिक्त चार्ज आपसे लिया जाएगा। एंट्री गेट के साथ ही स्टार्ट होती है फुल ऑफ रोड। बरसात के दिनों में काफ़ी सुहाना रास्ता है, लेकिन अभी तो पूरा का पूरा गंदा वाला ऑफ रोड हो रखा है। पिछले 1.5 साल से मैं शुभम के साथ राइड कर रहा हूँ, पहली बार शुभम यहाँ पर गिरा, वो देखो सामने शुभम गिर चुका है। तो आप लोग भी जब यहाँ पर आएँ अपनी बाइक से संभल कर चलाएँ, रास्ता जो है काफ़ी कठिन है। बरसात के दिनों में तो यहाँ पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर बाइक काफ़ी स्किड करती है, तो संभल कर यहाँ पर आप अपनी बाइक चलाएँ। लगभग 5 किलोमीटर की राइड के बाद में आपको उत्तर रामायण काल के अवशेष दिखाई देने लग जाएंगे। सबसे पहले दिखाई देगा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। इसी स्थान पर श्री राम जी के परित्याग के बाद में माता सीता ने अपना निर्वासन जीवन व्यापन किया था, और यहीं पर उन्होंने अपने पुत्रों लव एंड कुश का लालन पालन पोषण किया था, वो भी महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में। बरसात के दिनों में यहाँ से सीता माता नदी बहती है, और उसकी धाराएं बहने के कारण इस स्थान का एक अलग ही अल्टीमेट व्यू आता है। वैसे वाटर क्रॉसिंग्स तो यहाँ पर आपको पूरे साल भर ही देखने को मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा अघोरी पूजा केंद्र। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रात में जो अघोरी साधु होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, अपनी सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए यहाँ पर वो ध्यान करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर किसी अघोरी द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए एक ताजा ही यज्ञ किया हुआ है। यज्ञ किया हुआ है या ये कोई चिता भस्म है, इसका हमको नहीं पता है। जो भी है, अघोरी महाराज की इस क्रिया से जंगली जीवों को तो बड़ा नुकसान हो रहा है, प्रकृति को तो बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जंगलों में इस प्रकार आग जलाने से जंगली जीवों को बड़ा नुकसान होता है, और विदाउट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो शायद फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को या फिर उसके उच्च अधिकारियों को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है वह स्थान जहाँ पर लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से अपने अस्त्रों शस्त्रों की दीक्षा ली थी। वाटर क्रॉसिंग तो यहाँ पर भर भर के मिलेगी आपको। 8 किलोमीटर की ऑफ रोड राइडिंग के बाद में हम पहुँचने वाले हैं उस स्थान पर जहाँ पर लव कुश ने प्रभु श्री राम की पूरी चतुररंगिनी सेना को हरा कर हनुमान जी को बंदी बनाया था। इसकी गाथा यहाँ पर बकायदा एक पत्थर पे लिखी गई है, और कहा गया है कि यही वो आम का पौधा है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया था। इस आम के पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया है, और उसके सामने 2 कमरे बनाए गए हैं जहाँ पर जो लोग स्वामणी या फिर प्रसादी करते हैं वो पूरे दिन भर यहाँ पर गोट कर सकें, पूरा प्रसादी वितरण कर सकें, और फिर शाम तक वापस लौट जाएं। तो उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके आगे 800 मीटर ऊपर सीता माता का मंदिर बना हुआ है, थोड़ा सा चढ़ाई पे है वो, और उस चढ़ाई के पास ही सीता माता नदी बहती रहती है। बरसात के दिनों में बहती है, अभी तो वहाँ पर केवल पानी इकट्ठा है। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ है, और रास्ते के पास ही सीता माता नदी बहती है। अभी तो उस नदी का पानी ठहरा हुआ है, फिर भी आपको पूरे रास्ते में ये पानी देखने को मिलेगा, और आपके रास्ते में ये बहता हुआ दिखाई देगा आपको।
इसके आगे एक सीता माता जी का मंदिर बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि सीता माता जी ने यहीं पर पृथ्वी से प्रार्थना की थी कि वो उसको अपने में समा लें और सीता माता जी उसके बाद में यहीं पे पृथ्वी में समा गई। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि इसके अनेकों प्रमाण हैं और अनेकों कहावतें हैं कि सीता माता कहां पर पृथ्वी में समाहित हुई थी, तो इसके लिए कोई तर्कसंगत यहां पर सबूत नहीं है। तो ये तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आप इस पे विश्वास करें या ना करें। क्योंकि तो रामायण के तथ्य के अनुसार सीता माता जो है वो सीतामढ़ी जो कि नैनीताल के पास है वहाँ पर पृथ्वी में समाहित हुई थी। तो अब मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता कि वो यहाँ पर समाहित हुए थे या वहाँ पर हुए थे। अभी तो आप मंदिर के दर्शन कीजिए और आराम से आनंद लीजिए। मेरे साथी यहाँ से निकल ही रहे थे कि उनको एक उड़ने वाली गिलहरी दिखाई दी जो कि यहाँ पर बहुत ही सामान्य है। इस प्रकार एक शानदार ट्रिप के बाद खुशनुमा यादों के साथ हम वापस लौट रहे हैं हमारे बेस की तरफ। आपको क्या लगता है उत्तर रामायण काल के बाद में सीता माता पृथ्वी में कहां पर समाहित हुए होंगे? सीतामढ़ी नैनीताल में या फिर यहां पर सीता देवी वाइल्ड सेंचुरी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।